किया था कि वो कुणाल से दूर रहने के लिए घर छोड़ के चली जाए और इसलिए उसने चिट्ठी लिखी थी, पर उसने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था, बस ये लिखा था कि मैं तुम्हें बिना बोले जा रही हूँ। सो अब तो वापस आ गई, लेकिन फिर भी मैं उसके बेडरूम में जाती हूँ, वो चिट्ठी मुझे मिल जाती है, पढ़ लेती हूँ। सो मैं आस्क की व्हाट इज़ दिस, सो मुझे बोलती कि अब छोड़ के, अब नहीं शहर छोड़ के जाऊँगी। इट वॉज अ ऐसे इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था जो मैंने किया था, अब नहीं जाऊँगी। अब मैं एक्चुअली खुद ही थोड़े से उदास स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, और एंड आई फील कि वो भी मतलब उसके लिए इतना न्यू है, अलग से रहना, सब कुछ खुद से मैनेज करना। सो किसी, मुझे लगता है कि नंदिनी जो है वो बहुत ही सेंसिटिव इंसान भी है, और साथ में उसने कभी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ देखी नहीं है, तो उस पर पड़ी है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मे बी शी इज़ नॉट एबल टू मैनेज इट। खीर बनवाई तो थी कुणाल ने, बट फाइनली खाई वो मैंने, और सो दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन बीच में उनसे सवाल भी करती हूँ कि मैंने तो तुम्हें सरप्राइज़ दिया, लेकिन तुमने खीर कैसे बनाई थी। सो वो जो भी जवाब देती है, मैंने उसकी कोई भी बात को बहुत सीरियसली लिया नहीं है।